एक्शन। बात पीना नहीं तोड़ना था, फाइट सीन है। यार एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, समझ नहीं आ रही कौन सी सुनाऊं पहले। गुड न्यूज सुनाऊं कि बैड न्यूज? गुड न्यूज ये है कि मेरा फवाद खान के साथ शूट है, बैड न्यूज ये है कि वहां पे कोई तस्वीर नहीं ले सकते, कोई वीडियो नहीं बना सकते। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अरशानिस्तान। मेरा नाम अरशान अली है और आज मैं जा रहा हूँ एक बड़ी प्रोडक्शन के शूट पे विद द वेरी वेल नोन आर्टिस्ट फवाद खान। उसको मतलब ही इज़ अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट, लेकिन उसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, स्पेशली इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग उनको जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बैड न्यूज़ ये है कि वहाँ पर शूट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे अपना ब्लॉग कम्प्लीट करना है तो मैं आप लोगों को बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ वहाँ के। और मेरी आवाज़ भी आज बैठी भी लग रही होगी आपको। एक्चुअली मेरी परसों से कमिटमेंट हुई थी कि मुझे मेरा शूट अलाइन हुआ था, लेकिन कल रात से मेरी तबीयत काफ़ी आवाज़ ख़राब हो रही है और डाउन फील कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ कमिटमेंट, तो कमिटमेंट इंसान को पूरी करनी चाहिए और इसी कमिटमेंट की वजह से मैं आज जा रहा हूँ। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो गाइस हम पहुँच चुके हैं शमसी स्टूडियो। ये देखो यार क्या हालत हो रही है, मेरी गाड़ी में सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, जूते पड़े हैं, मैं इधर बैग खुला पड़ा है। वैसे इस रुमाल को देख के, कैप को और बेल्ट को देख के और इन शूज़ को देख के आपको क्या लग रहा है आज की क्या थीम होने वाली है? वैसे आपको थंबनेल से आइडिया तो हो ही गया होगा। और ये मेरी जीन्स है, तो चले अंदर चलते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं, मेरे ख्याल से हॉल नंबर 3 में मुझे आना था और मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे बाहर से थीम को देख के आइडिया हो गया था कि यही जगह है जहाँ मुझे जाना है, तो मेरे ख्याल से मैं सही हॉल में आया हूँ। वैसे यहाँ पे और भी ज़्यादा हॉल है, मतलब डिफरेंट ऐसे प्लॉट्स बने हुए हैं जिसके अंदर आप अपना सेट लगाते हैं स्टूडियो के लिए, कमर्शियल के लिए, व्हाटएवर के लिए। तो यहाँ पे यार काफ़ी मेहनत से लोग काम कर रहे हैं। ये देखें आप कितना हैवी इसको रस्सियों से खींच खींच के ऊपर ले जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो एक बार का जैसा बना हुआ है और यहाँ लाइट्स भी बड़ी रेट्रो किस्म की हैं, थीम बड़ी कूल है, लेकिन मिट्टी यहाँ पे बहुत ज़रा उड़ रही है, इसी वजह से मुझे काफ़ी छींकें भी आ रही हैं। तो इस साइड पर चल के देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है। ये जो दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा वॉलपेपर लगा हुआ है, ये एक डेजर्ट की पिक्चर है जो कि एक वेस्टर्न थीम को दिखाता है, ओल्ड अमेरिकन वेस्टर्न एक्चुअली, जो कि काउबॉय की थीम। ओहो मैंने आपको बता ही दिया काउबॉय की थीम है, अरे यार चलो ये काउबॉय की थीम है, अब रिवील कर ही देते हैं, आपको खुद भी आइडिया हो ही गया होगा कि काउबॉय की थीम है, तो इतना सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो खैर ये काउबॉय की थीम है और काउबॉय की थीम एक अमेरिका में, अमेरिकन वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर थी, अभी भी लोग उसको मूवीज़ में, म्यूज़िक वीडियोज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक बंदे ने हैट पहना हुआ है, हाथ में गन्स पकड़ी हुई हैं, घोड़े, अरे यार यहाँ क्या हो रहा है, तार जल गई शायद। मैं भी अपना सामान ऊपर जाके रूम में रख लेता हूँ और इससे पहले कि मेरी तबीयत और ज़रा डाउन हो जाए। तो ये है ऊपर का व्यू, यहाँ से पूरा आपको सेट वगैरह कंप्लीट नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ एक रूम बना हुआ है, चला रूम में चल के देखते हैं। ये एक फिटिंग का रूम लग रहा है, यहाँ पे आयरन भी हो रही है, यहाँ पे कपड़े भी चेंज हो रहे हैं। और अपना सामान मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, उसको ले लेके घूमने से बेहतर है इसको यहाँ पे रख लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। तुम यहीं पे बैठे रहना, आई विल बी राइट बैक। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है अभी सेट तैयार होने में काफ़ी टाइम है, सेट्स पे ऐसा हो जाता है। तो अभी और भी बॉयज़ आ गए हैं यहाँ पे। ये है मेकअप रूम जो कि फिटिंग रूम के बिल्कुल साथ है, यहाँ पे एसी चल रहा है तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। धीरे धीरे करके लोग बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी सारे बॉयज़ आ गए हैं, अभी और भी कुछ बाकी हैं। यहाँ पे देखो यार किसी की गर्मा गर्म चाय और साथ में टोस्ट पड़ा हुआ है, ये शैतान मुझे बरगला रहा है, लेकिन मेरा रोज़ा है, मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाला। तो सेट की लुक अभी ये लग रही है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग मेरे बेहतर हो गई। ये सेट के पीछे की सिचुएशन है और ये सेट के सामने का हाल है और यहाँ पर काफ़ी कूल लग रहा है यार ये। यहाँ कैमरा मैन, DOP वगैरह इनकी टीम भी आ गई है, काम ज़ोरों शोर से जारी है। और लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी एक घंटा लगेगा। अंदर चलते हैं रूम में वापस, यहाँ पे तो बॉय सो रहा है यार, इसको नींद आ रही है, इसको भी रोज़ा लग रहा है मेरे ख्याल से। मेकअप हो चुका है स्टार्ट और अभी मेकअप हो रहा है। मेरी स्किन को इतना ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए थोड़े से टचअप्स वगैरह ही कर रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे नीचे। तो ये है लुक मेकअप के बाद, थोड़े से और ब्रश लगाना बाकी है। तो ये, तो
हैट लगाने के बाद मैं ऐसा लगूंगा। अभी मैं एक छोटी सी वीडियो के लिए हसल कर रहा हूँ कि यार वीडियो को किस तरीके से बनाऊँ, तो मुझे एक आइडिया मिला है। आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी मेरी ट्रांजिशन वाली। मेरी जीन्स मुझे मिल चुकी है, आयरन हो चुकी है, और यहाँ पे बाकी बॉयज़ भी रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। मेरी शर्ट भी यहाँ पे आयरन हो के लगी भी है, ये सस्पेंडर्स भी यहाँ पे हैं, बेल्ट भी हैं, हैट्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, और ये है मेरी ट्रांजिशन जिसकी मैंने रिहर्सल की थी। हाउ वाज इट, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको ट्रांजिशन कैसी लगी। बारी बारी करके सारे काउबॉयज रेडी हो रहे हैं और काफ़ी कूल लग रहे हैं, और मेरे साथ मौजूद है मुबीन, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, और ये बॉडी डबल कर रहा है फवाद खान का। बॉडी डबल का मतलब कि जो सीन फवाद खान नहीं करेगा उसकी जगह पे ये मुबीन करेगा, लेकिन इसका फेस नहीं होगा, फेस सिर्फ फवाद खान का यूज़ हो रहा होगा। बाहर के व्यूज़ ऊपर से तो ऐसे दिख रहे हैं, नीचे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है सेट की। मुझे लग रहा था पिक्चर्स वगैरह लेने में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन थोड़ा सा चिल सीन है, शुक्र है। लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा वीडियो बनाते वक्त एहतियात करनी पड़ेगी, ताकि अगर पकड़े गए तो सारे के सारे शॉट्स डिलीट करने पड़ेंगे, मेरा पूरा का पूरा व्लॉग ज़ाया हो जाएगा। उमर, हम सब रेडी हैं और फवाद खान इज़ ऑलमोस्ट हेयर। हम सेकंड लीड पे और वो फर्स्ट लीड पे हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो फवाद खान है और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो या अभी हम वी आर वेटिंग फॉर हिम। अभी भी सेट पे थोड़ा सा टच टूच चल रहे हैं, और ये स्पाइडर मैन भी यहाँ पे मौजूद है। सब लोग रेडी बैठे हैं और सेट ऑलमोस्ट रेडी है, और सब लोग काफ़ी कूल लग रहे हैं। इनसे मिले हैं एक सेलिब्रिटी, जी आपको मैंने कहीं देखा है, ये बहुत सारे कमर्शियल कर चुके हैं इससे पहले, बिस्किनी की एड में आपने इनको देखा हो। बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, और पहली दफा मैं इनसे मिला हूँ, बहुत अच्छे बंदे हैं। फाइनली वेट खत्म हुआ, फवाद खान इज हियर, और अभी हम शूट स्टार्ट करते हैं। शूट के साथ साथ रील का कंटेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं अपना रील का कंटेंट भी शूट के साथ साथ बना रहा हूँ, ताकि मेरी रील भी कंप्लीट हो जाए और शूट भी कंप्लीट हो जाए। फवाद खान हर शॉट के बाद जाके अपने शॉट्स को चेक कर रहा होता है कि उसके शॉट्स किस तरीके से, अगर वो ठीक नहीं आते तो दोबारा रीटेक करता है, तो उस वजह से बहुत ज़रा टाइम लग रहा है। थीम को और अच्छा दिखाने के लिए स्क्रीन के ऊपर थोड़ी बार बार मिट्टी उड़ाई जाती है, तो उस वजह से मुझे खांसी भी हो रही है, और मुझे नज़ला भी ऑलरेडी हो रहा है, तो छींकें भी आ रही हैं, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है। जिस हिसाब से शूट चल रहा है, मेरे ख्याल से रात के 12 बज जाएंगे, क्योंकि फवाद के तो ऑलरेडी 10 से 15 रीटेक हो चुके हैं बैठे बैठे। इफ्तार का टाइम थोड़ी देर में हो जाएगा, तो मुझे भूख लग रही है और काफ़ी रोज़ा लग रहा है, तबीयत भी डाउन हो रही है, तो इफ्तार लग रही है यहाँ पे। और अभी हो चुका है इफ्तार का ब्रेक, इफ्तार के ब्रेक के बाद दोबारा शूट शुरू होगा। रोज़ा का टाइम हो गया, हम लोग करेंगे इफ्तारी सेट की तरफ से, प्रोडक्शन की तरफ से। क्या बात है, चलो कुछ तो मिला। तो ये रहा सेट की तरफ से मिला हुआ इफ्तार, जो कि बहुत ही सैड था, इससे सैड इफ्तार मैंने आज तक किया नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप सेट पे होते हैं तो यू हैव टू स्टे वेरी डाउन टू अर्थ। इफ्तार के बाद मिलने वाली ये बिरयानी बहुत ही अच्छी है, इसको खाने के बाद मेरा इफ्तार वाला जो गिला शिकवा था वो बराबर हो गया। तो थोड़ी देर में शूट स्टार्ट हो जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेता हूँ। अभी मैं चाय और रूह अफजा एक साथ ही हाथ में लेके घूम रहा हूँ। भाई यहाँ पे बॉयज़ तो काफ़ी थक चुके हैं और लेटे हैं, उमर भी सो रहा है, इनको देख के मुझे भी लेजीनेस हो रही है, मेरी तबीयत भी डाउन है और मुझे इनको देख के और नींद आ रही है। लेकिन यार अब घर ही जाके सोऊंगा, अभी तो कहाँ नींद आएगी मुझे।
गाइस अभी सेट पे अनाउंस हुआ है कि वीडियो नहीं बनानी है, कोई पिक्चर नहीं लेनी है। मैंने वैसे ही कैमरा खोला हुआ है दिखाने के लिए कि शायद मैं अपने आप को कैमरा में देख रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो भी साथ साथ में रिकॉर्ड किए जा रहा हूँ ताकि मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो जाए। यार मेरा सर काफ़ी भारी हो रहा है, नज़ला हो रहा है, आंखें भी रेड हो रही है, नाक से पानी निकल रहा है और शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इट्स अ पैकअप। आज का शूट काफ़ी चैलेंजिंग था और एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं नए नए लोगों से मिला, अगर मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी होती तो मैं लोगों से और ज़्यादा बात वगैरह करता उनसे, लेकिन जितना भी हुआ आज का दिन अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है गाइस किसी ने आज का हमारा ब्लॉग ख़राब नहीं किया और ब्लॉग कम्प्लीट हो चुका और पैकअप भी हो चुका और मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच गया। तो गाइस ये थी आज के अरशानिस्तान की कहानी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दें और मुझे कमेंट में सजेशन में बताएं कि मैं अपने ब्लॉग्स को, अपनी वीडियोस को किस तरीके से और बेहतर कर सकता हूं। फिलहाल तो मुझे बहुत नज़ला हो रहा है, मेरी आवाज़ भी काफ़ी बैठी जा रही है, माइग्रेन भी हो रहा है। आज शूट के ऊपर पूरा दिन का शूट था यार, अभी मैं फ्री हुआ हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।